आप देख रहे हैं पिंटू दैनिक न्यूज 21। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और चलते हैं अगली खबर की तरफ। हर रोज की खबर आपके लिए हम सुबह सुबह लाते हैं, तो मेरे चैनल पर बने रहिए। हम खबरों की शुरुआत करते हैं। रोज हो रहे हादसे, जेल चौक के पास सड़क के गड्ढे में ऑटो पलटा, 6 यात्री घायल। जल जमाव के बीच शहर के सड़क में गड्ढों के पता लगाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। जेल चौक के पास शनिवार को भी कैब बाइक तथा ऑटो रिक्शा पानी से भरे गड्ढे में पलट गए, जिस कारण आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। काफी मकसद के बाद स्थानीय लोगों को मदद से ऑटो के रिक्शा सवार लोगों को पानी भरे गड्ढे से बाहर निकाला गया। इसे पता चलता है कि नगर निगम कितनी व्यवस्था टाइट है। मुजफ्फरपुर में देर रात हथियार के डीलिंग करते दो साथी गिरफ्तार किया गया। इनके पास से हथियार के जब्त किए गए, दोनों से पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र के खबरा की है, जहां सदर थाने के पुलिस ने छापेमारी कर दो साथी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों हथियार डीलिंग कर रहे थे, इसी दौरान पकड़े गए। इनके पास से पुलिस ने कई देसी पिस्टल। प्रशांत किशोर ने बोला कि बीजेपी सबसे पहले नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाती। प्रशांत किशोर का नीतीश और भाजपा पर कटाक्ष, कहा मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए छोड़ा बीजेपी का साथ। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के राजनीतिक महत्वाकांक्षा के पोल खोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार को पता था कि आगामी 24 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा सबसे पहले उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाती है, और कहती कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा। भाजपा की मजबूरी लोकसभा के चुनाव तक थी। लोकसभा में भाजपा एक बार जीतकर आ जाती तो उनकी सरकार दिल्ली में बन जाती, फिर उनको बिहार में मुख्यमंत्री पद से हटा दी जाती। नीतीश कुमार ने अनुमान लगाने के बाद बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन की व्यवस्था बना ली, ताकि 25 तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहें।